Today evening connection box office, Mr. Shahabadi, movie and funny. आइए और जानते हैं इसके बारे में कौन किससे आगे, तो सुनिए। फर्स्ट कलेक्शन साउथ मूवी से कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है। भूल भुलैया, देहाती, डिस्को अनेक, तो वहीं दूसरी फिल्म रही हॉलीवुड की फिल्म टॉप गन मैवरिक। इन दोनों ही फिल्मों का दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो अपने पहले और अपने दूसरे दिन का कितना हो चुका है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों पिछले हफ्ते से सुपर हिट ट्रेंड कर रही फिल्म भूलभुलैया 2 के 9 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, धाकड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों KGF के अभी तक के टोटल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म धाकड़ के बॉक्स ऑफिस के बारे में, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते दम तोड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस पर एक बुरी फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि कंगना रनौत की फिल्म धाकड़, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में मात्र 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी, इस फिल्म ने दोस्तों इस हफ्ते सभी शो कैंसिल कर दिए हैं और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इस हफ्ते किसी भी सिनेमाघर में नहीं चल रही और बॉक्स ऑफिस पर से एक डिजास्टर का स्टेटस ले चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि भूलभुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भूलभुलैया 2, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन, ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी, तबू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए थे, लगभग 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते 3200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो एक फंटास्टिक ओपनिंग ली और इस साल रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे कर दिया। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और कई सारे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों को पीछे करते हुए कार्तिक आर्यन की यह फिल्म इस साल की वन द बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर हेटर्स की बोलती बंद कर दी। दोस्तों बताते चले आपको कि भूलभुलैया 2, जिसका डायरेक्शन किया है अनीस बज्मी ने, इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 56 करोड़ और अपने पहले हफ्ते में 93 करोड़ रुपए का आंकड़ा इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया था। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही हफ्ते का कलेक्शन 118 करोड़ रुपए का रहा और कार्तिक आर्यन की यह फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के सेकेंड वीक यानी कि कल और आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म के सामने इस हफ्ते 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों को पीछे करते हुए कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया ने अपने 8वें दिन जहां इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कल का कलेक्शन भी 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था, जिससे कि इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए का हो चुका था। वहीं दोस्तों इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 99 करोड़ का हो चुका था। बात की जाए आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो कल से कहीं ज्यादा अच्छी है और आज इस फिल्म ने सिर्फ एडवांस में ही 3.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की आज 20-22% की है, आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 35-40% की है। ये वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई आ रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने शुरुआती 9 दिनों का कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो 108 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 135 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करके एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई होगी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म टॉप गन मैवरिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको टॉम क्रूज नजर आए हैं और इस एक्शन ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन किया है जोसेफ कोसिंस्की ने, दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनने वाली इस मच अवेटेड फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो सिर्फ 2.40 करोड़ की ही ओपनिंग ली है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो इस फिल्म से उम्मीदें थी, इतनी ही बेहतरीन ओपनिंग इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ली है। इस फिल्म का दोस्तों अपने पहले ही दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 280 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया कलेक्शन रहा। दोस्तों बताते चले आपको कि टॉप गन मैवरिक को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल रहे हैं। इस फिल्म ने दोस्तों
टॉम के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी भी एंगेजिंग है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन जहां इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 2 दिनों में लगभग 480 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। वहीं इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का कलेक्शन लगभग 5.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। यानी कि दोस्तों टॉम क्रूज की ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एक सुपरहिट ट्रेंड कर रही है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म यानी कि अनेक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड में आपको यहाँ पर आयुष्मान खुराना और एंड्रिया नजर आई है। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अनुभव सिन्हा ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 1800 से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज तो मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को ओपनिंग अच्छी नहीं मिल पाई। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को पसंद जरूर आ रही है, लेकिन अपने पहले दिन मात्र 2.3 करोड़ की ही कमाई करने में कामयाब रही, जो कि दोस्तों आयुष्मान खुराना जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की फिल्म के लिए एक काफी कम ओपनिंग है। यह फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है और इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 40 से 50 करोड़ की कमाई तो करनी ही होगी। और जिस तरह की ओपनिंग दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगी है, उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक फ्लॉप फिल्म साबित होने जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म को अपने दूसरे दिन ऑडियंस की तरफ से मिले हुए रिव्यूज की वजह से लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई है और ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने शुरुआती 2 दिनों का जो कलेक्शन है वो 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। ऐसे में दोस्तों आयुष्मान खुराना की ये फिल्म भी बॉलीवुड के लिए एक फ्लॉप फिल्म साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब अगली फिल्म यानी कि KGF चैप्टर 2 के बारे में, जो कि दोस्तों इस हफ्ते भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को सिनेमाघरों तक ला रही है और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने शुरुआती 4 हफ्तों तक 1172 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 5वें हफ्ते 1210 करोड़ पार कर लिए थे और अपने